बिंदु की फिक्र करते हुए कहता है, बात तो तेरी भी सही है कायर, मुझे भी यही लगता है कि तुझे बिंदु से मिल लेना चाहिए। पर तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था, तुझे बिंदु को उस बारे में कुछ नहीं बताना है। कायर युग से पलट कर कहता है, हाँ युग मुझे अच्छे से याद है, तू फिक्र मत कर, तूने जो कहानी लिखी है मैं उसके बारे में बिंदु के सामने जिक्र तक नहीं करूंगा, उसे कुछ नहीं बताऊंगा। युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ वही यार, मैं नहीं चाहता कि माँ और प्रशांत अंकल के बीच जो भी हुआ उसका असर बिंदु और मेरी दोस्ती पर पड़े। हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़े। कायर युग की बातों से ऊबने लग गया था, क्योंकि हवेली के अंदर भी कई बार युग कायर से यही बात बोल चुका था कि बिंदु को उस बारे में कुछ मत बताना। कायर युग की बातों से ऊबते हुए उबासी के साथ कहता है, हाँ युग भरोसा रख तू मुझ पर, बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं बिंदु को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला। अब मैं जाऊं, वरना अगर वो कछुआ उठ गया तो वो भी मेरे साथ चलने की जिद करने लग जाएगा और मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। युग हैरानी के साथ कायर से पूछता है, तू कछुए को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, पर क्यों? वैसे तो तू हर जगह उसे अपने साथ ले जाता है, उसके बिना कहीं जाता ही नहीं है, फिर आज क्यों मना कर रहा है? युग कायर पर शक करते हुए कहता है, तू बिंदु से ही मिलने जा रहा है ना, या फिर कहीं और जा रहा है बिंदु से मिलने के बहाने से? कायर युग के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, बिंदु से ही मिलने जा रहा हूँ यार, और कहाँ जाऊंगा? युग झट से पलट कर कायर से पूछता है, फिर कछुए को अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहा है? कायर कुछ शर्माते हुए कहता है, वो क्या है ना युग, बहुत दिनों बाद बिंदु से मिल रहा हूँ तो मैं उसके साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, उसका हाथ थाम कर उसकी सारी बातें सुनना चाहता हूँ। पर अगर कछुए को साथ ले गया तो ये बेवजह कबाब में हड्डी बनेगा। कबाब में हड्डी तो छोड़, वो हम दोनों को ठीक से बात ही नहीं करने देगा, डिस्टर्बर रख करेगा। युग कायर की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ खूब समझ रहा हूँ मैं कि कछुआ तुम्हें क्या करने में डिस्टर्ब करेगा। कायर युग से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है युग, बिंदु से मिलना जरूरी है। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ वो तो है कायर, ठीक है जा तू, पर जल्दी आ जाना। एक तो अभिमन्यु भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया है, डायना से पूछा तो वो बता रही थी कि रात से ही कहीं चला गया है, कुछ बताकर नहीं गया है, ऊपर से मोबाइल भी नहीं लग रहा है उसका। कायर भी अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए परेशान होते हुए कहता है, हाँ यार पता नहीं कहाँ चला गया इतनी बारिश में, वो आए तो मुझे फोन करके बता देना। युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं बता दूंगा तुझे, तो उसकी फिक्र मत कर, जा और जाकर बिंदु से मिल खुशी खुशी, वरना तेरा उदास चेहरा देखेगी तो वो भी उदास हो जाएगी। कायर कहता है, हाँ जाता हूँ मैं, तू भी अपना ख्याल रखना, और अब चाहे कुछ भी हो काली बारिश में बाहर मत निकलना, देखा ना कितनी काली हो गई है तेरी आंखें, मुझे तो इन्हें देखकर डर लग रहा है। युग पलट कर कहता है, हाँ यार नहीं निकलूंगा बाहर, तू चिंता मत कर जा आराम से। युग के ये बात कहते ही कायर वहां से जाने लग जाता है। कायर के जाते ही युग वापस से हवेली के अंदर चले जाता है। इस तरफ वर्चस्विनी तारा के पास उसके बेड पर बैठी हुई थी। तारा को रात से ही होश नहीं आया था, वो अभी तक बेहोश थी। वर्चस्विनी तारा के होश में ही आने का इंतजार कर रही थी। उसको तारा की बहुत फिक्र सताए जा रही थी, क्योंकि वो रात से ही होश में नहीं आई थी। वर्चस्विनी ममता भरी निगाहों के साथ तारा को देखे जा रही थी। उसकी आंखें तारा को इस हालत में देखकर नम हो गई थी। वर्चस्विनी तारा के पास बैठकर उसके सिर पर अपना हाथ बार बार फेर ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लग जाता है, जो उसके पास ही रखा हुआ था। जब वर्चस्विनी की नजर अपने मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसे किसी और का नहीं बल्कि चैटर्जी का फोन आ रहा था। वर्चस्विनी अपना फोन उठाते हुए कहती है, हाँ चैटर्जी बोलो। चैटर्जी की आवाज सुनाई देती है, अब कैसी है तारा वर्चस्विनी मैम? वर्चस्विनी मायूसी के साथ जवाब देती है, तारा को अभी तक होश नहीं आया चैटर्जी। चैटर्जी की हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है, क्या तारा को अभी तक होश नहीं आया? वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, हाँ चैटर्जी तारा को अभी तक होश नहीं आया है, पता नहीं कल रात में युग का हाथ पकड़कर तारा ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे अभी तक होश नहीं आया, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। चैटर्जी वर्चस्विनी को हौसला देते हुए कहता है, आप घबराइए मत वर्चस्विनी मैम, तारा को होश आ जाएगा, वो कुछ दिनों से ठीक से सोई भी नहीं है ना, शायद इस वजह से अभी तक उसे होश नहीं आया है, आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा। वर्चस्विनी खामोश रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है, बस मायूसी के साथ तारा को देखती रहती है और उसके सिर पर प्यार से फिर अपने हाथ फेरने लग जाती है। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, तुम कहां पर हो चैटर्जी, हवेली में ही हो ना?
चैटर्जी का जवाब आता है, नहीं मैम, मैं हवेली में नहीं हूँ। वहां पर होता तो आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तारा का हालचाल पूछने के लिए, मैं सीधे वहीं पर आ जाता। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, तुम हवेली में नहीं हो तो फिर कहां पर हो चैटर्जी? चैटर्जी पलट कर कहता है, वो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था मैम, अभी रास्ते में हूँ। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, पुलिस स्टेशन जा रहे थे पर क्यों? चैटर्जी का जवाब आता है, वो चार्ली का फोन आया था वर्चस्विनी मैम, उसे कुछ अर्जेंट काम था मुझसे। वर्चस्विनी अपनी दोनों भवे ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ पूछती है, चार्ली को काम है? क्या काम है चार्ली को तुमसे? चैटर्जी की आवाज सुनाई देती है, पता नहीं मैम, वो चार्ली ने फोन पर कुछ बताया नहीं, कहा कि जल्दी से स्टेशन पहुंच जाओ, इसलिए इतनी जल्दी में निकला हूं कि आपसे मिलकर भी नहीं जा पाया। वर्चस्विनी चुप रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। चैटर्जी की फिर आवाज सुनाई देती है, अच्छा मैम मैं फोन रखता हूँ, इस वक्त ड्राइविंग कर रहा था, स्टेशन पहुंचकर फोन करता हूँ। वर्चस्विनी धीरे से कहती है, हाँ ठीक है चैटर्जी, जो भी हो बताना मुझे। चैटर्जी कहता है, ठीक है मैम, जो भी होता है मैं बताता हूँ आपको, आप अपना और तारा का ख्याल रखिएगा। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, हाँ चैटर्जी तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वर्चस्विनी फोन कट कर देती है। फोन रखते ही वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये चार्ली को ऐसा क्या काम पड़ गया कि चैटर्जी को उसने इतनी जल्दी में बुला लिया कि ये चैटर्जी मुझसे भी मिलकर नहीं गया। वर्चस्विनी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर तारा के हाथ पर पड़ती है और वो देखती है कि तारा धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियां हिला रही थी। तारा को होश आने लग गया था। वर्चस्विनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, तारा बेटी, तारा बेटी। वर्चस्विनी के तारा को पुकारते ही तारा धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। तारा वर्चस्विनी को अपनी आंखों के सामने देखकर बड़े प्यार से कहती है, माँ। तारा की आवाज सुनकर वर्चस्विनी ममता से भर जाती है और तुरंत तारा को अपने सीने से भींचते हुए कहती है, तारा मेरी तारा, तुम ठीक तो हो ना तारा बेटी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तारा बड़े प्यार से कहती है, मैं ठीक हूँ मम्मा, मुझे क्या होगा, आप हैं ना मेरे साथ। वर्चस्विनी पलट कर कुछ नहीं कहती है, तारा को प्यार भरी निगाहों से देखते रहती है। तारा अपने आसपास देखने लग जाती है पर उसे अपने आसपास वर्चस्विनी के अलावा और कोई नजर नहीं आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ वर्चस्विनी से पूछ पड़ती है, युग भैया, युग भैया। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, युग भैया क्या तारा बेटी? तारा वर्चस्विनी से पूछती है, युग भैया कहाँ पर है मम्मा? वर्चस्विनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो तो अपने कमरे में होंगे तारा बेटी। तारा पलटकर कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे के पास से युग की आवाज आती है, तारा। जब तारा और वर्चस्विनी दरवाजे की तरफ अपने नजरें करती हैं, तो देखती है कि दरवाजे पर ही युग और यामिनी खड़े हुए थे। दोनों ही फुर्ती के साथ कमरे के अंदर घुसते हैं और तारा के पास जाकर उससे एक साथ पूछ बैठते हैं, तुम अब कैसी हो तारा? तारा युग और यामिनी दोनों को बारी बारी देखते हुए जवाब देती है, मैं ठीक हूँ युग भैया, यामिनी दीदी। यामिनी और युग दोनों में से कोई तारा से कुछ और पूछता उससे पहले ही तारा एक डर के साथ युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आप कैसे हैं युग भैया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं भी ठीक हूँ तारा, मुझे क्या होगा? तारा युग की आंखों की तरफ देखते हुए ही उससे कहती है, वो आपकी आंखें? इतना कहकर तारा खुद चुप हो जाती है। वो अपनी बात पूरी ही नहीं करती है, जैसे उसे किसी चीज का अंदर ही अंदर डर सता रहा हो जो वो कहने से डर रही थी। युग समझ जाता है कि तारा उसकी आंखों को देखकर डर गई थी और उसी के कारण परेशान लग रही थी। युग मुस्कुराते हुए तारा को समझाते हुए कहता है, मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ है तारा, वो बस काली हो गई है। वो क्या है ना, कल रात में ज्यादा बारिश में भीग गया था ना, तो उसी का इन्फेक्शन लगता है, एक दो दिन में ही ठीक हो जाएगा, देखना। तो तारा कुछ नहीं कहती है, एकटक नजर से युग की काली पड़ी आंखों की तरफ देखती रहती है। तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी समझ जाती है कि कुछ तो बात थी जो तारा छुपा रही थी, तभी वो इतनी डरी डरी नजर आ रही थी। यामिनी अगले ही पल तारा के नजदीक जाती है और बड़े प्यार से उससे पूछती है, तारा बेटी तुमने कल रात में जब युग बाबू का हाथ पकड़ा था तब क्या देखा था, तुम्हें क्या महसूस हुआ था उस वक्त? यामिनी के ये बात कहते ही तारा उस पल को याद करने लग जाती है जब उसने युग का हाथ पकड़ा था। तारा अपने दिमाग पर जोर देने लग जाती है और अगले ही पल वो धीरे धीरे कहती है, मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था यामिनी दीदी, जब मैंने युग भैया का हाथ पकड़ा था मुझे ठीक से कुछ याद नहीं।
यामिनी तारा पर प्रेशर देते हुए कहती है, याद करने की कोशिश करो तारा, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तारा अपने दिमाग पर जोर देने लग जाती है। ज्यादा ही जोर देने के कारण तारा का सिर दर्द करने लग जाता है और वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है। तारा दर्द से कराहते हुए कहती है, उस सपने में सब काला, आग, भंवर, पानी, युग भैया, आह आह। इतना कहकर तारा दर्द से कराहने लग जाती है। वर्चस्विनी को तारा की फिक्र होने लग जाती है और वो तुरंत हड़बड़ाहट के साथ तारा की चिंता करते हुए कहती है, तारा मेरी बेटी, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तारा दर्द से कराहने लग जाती है। सिर्फ वर्चस्विनी को ही नहीं बल्कि यामिनी और युग को भी तारा की फिक्र होने लग जाती है। उन्होंने तारा को इस तरह दर्द से तड़पते हुए पहले कभी नहीं देखा था। तारा ने कसकर अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ कर रखा हुआ था। युग तुरंत तारा को मना करते हुए कहता है, रहने दो तारा, रहने दो, तुम्हें कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, पर युग बाबू, फिर पता कैसे चलेगा कि आपका हाथ पकड़कर तारा ने क्या देखा था? युग यामिनी पर गुस्सा करते हुए कहता है, यामिनी तुम्हें तारा की ज्यादा फिक्र है या फिर उसने क्या देखा था उसकी? यामिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, युग बाबू मैं तो ये सब आपके लिए। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वर्चस्विनी बोल पड़ती है, तारा अपने सिर पर ज्यादा दबाव मत दो, तुम्हें कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। वर्चस्विनी की ये बात कहते ही तारा रुक जाती है, कुछ याद नहीं करती है। धीरे धीरे तारा नॉर्मल होने लग जाती है, वो दर्द से कराहना बंद कर देती है। यामिनी को भी वर्चस्विनी और युग की बात ठीक लगने लग जाती है, इसलिए वो तारा से कुछ नहीं कहती है। तारा के नॉर्मल होते ही यामिनी घबराते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा ने जरूर कुछ ना कुछ बुरा तो देखा है युग बाबू के बारे में, तभी ये इतना घबराई हुई है। पर तारा ने ऐसा क्या देखा होगा जो वो इतनी ज्यादा घबरा गई है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।